नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके फैक्ट्स अजय में। आज मैं बात करूंगा लाल किला के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपको शायद अभी तक पता नहीं होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया, जो 1648 में पूरा हुआ। जब 1648 में लाल किले का उद्घाटन किया गया, तब इसके मुख्य कमरों की कीमती पर्दों से सजाया गया। जो मुख्य कमरे थे उनको कीमती पर्दों से सजाया गया। तुर्की की मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई। इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ रुपए में से आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई थी। शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेजों ने जमीन दोष कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई के दौरान लाल किले के असली तल का पता चला, जो दिल्ली गेट के पास 3 फुट पर मिला है और नौबत खाने के पास इसकी गहराई 6 फुट तक है। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार है, एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट VIPs के लिए है। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता है। 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले पर हल्ला बोल दिया और इसे मुगलों से आजाद करवा दिया। इस कारनामे का सिरा सरदार बघेल सिंह धालीवाल को जाता है। लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। 1739 में नादर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले के बगीचे और दीवारों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। इसके सिवाय उसने 3 दिन तक दिल्ली में हिंदुओं को कत्लेआम भी किया। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने इस सभी को कर लाल किला अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इसको ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बनाया गया। अंग्रेजों ने इस किले के रिहायशी स्थानों और बगीचे को नष्ट करने के बाद वहां पर सेना के लिए परेड ग्राउंड बना दिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर पर इसी किले में केस चलाया गया। उनके 2 बेटों को गोली मार दी गई और बादशाह को रंगून जेल में भेज दिया गया। इस तरह 3 सदियों से चले आ रहे मुगल राज का पूरी तरह से अंत हो गया था। देश की आजादी के पश्चात लाल किले को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया था। 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे भारतीय पर्यटन अधिकारियों को सौंप दिया था। 2000 में भारत पाकिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता में अडंगा डालने के लिए दिसंबर 2000 में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने इस पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिकों समेत 1 अन्य नागरिक की मौत हो गई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।